हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सब से छोटे बच्चों के लिए काजू और बादाम के पाउडर बनाने का परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि काजू और बादाम का पाउडर बने, पेस्ट ना बन जाए। ये मैंने 100-100 ग्राम के लगभग काजू और बादाम को लिया है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम बनाना ही ठीक रहेगा ताकि ज़्यादा दिन रखने से ख़राब ना हो जाए। ये मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। गरम करने के बाद इसे काजू और बादाम को डाल दिया और इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम को हाई नहीं करना है और कंटिन्यूस चलाते हुए भूनना है। भूनते भूनते देखिए बादाम में क्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा काजू और बादाम भून चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे मिक्सर में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। और जिस तरीके से मैं मिक्सर को चला रही हूँ, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर उसी तरीके से मिक्सर को चलाना है। बीच में एक बार चम्मच से चला लें, उसके बाद फिर से उसी प्रोसेस से मिक्सर को चलाएं। अगर ऐसे चलाएंगे तो काजू बादाम का पाउडर बनेगा, पेस्ट नहीं बनेगा। ये देखिए अच्छे से काजू और बादाम पीस चुका है, पाउडर बन गया है। अब इसे हम छलनी से छान लेंगे। और चालने के बाद जो ये दाना बचा है, इसको सब्जी वगैरह में डालकर यूज किया जा सकता है। और इस पाउडर को 1 से 1.5 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर किया जा सकता है। और इसे बच्चे को जब भी देना है, एक छोटा चम्मच दूध में या फिर हलवा हुआ, खीर हुआ, किसी भी चीज़ में डालकर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी हिट कर दें। बाय फ्रेंड्स।